हे फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आपका मेरे चैनल द फ्राइंग पैन में। सैलेड तो आप सभी खाते होंगे, लेकिन आज बनाते हैं कुछ अलग, कुछ नया और बहुत ही टेस्टी चिकपी सैलेड। हाई प्रोटीन, लोडेड विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, परफेक्ट फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर। ये बहुत ही फ्रेश है और न्यूट्रिशियस है। आपको कोई और नई रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल द फ्राइंग पैन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप मेरी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं चिकपी सैलेड बनाना। चिकपी सैलेड को बनाने के लिए हमें चाहिए काबुली चने, जिसे हम चिकपीस या छोले कहते हैं, और किडनी बीन्स, जिसे हम राजमा भी कहते हैं, थोड़ा सा धनिया, एक खीरा, एक नींबू, एक टमाटर और एक बेल पेपर। मैंने येलो कलर का यूज किया है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं और या स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स यूज करने हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। काबुली चने को मैंने पहले ओवरनाइट सोक किया था और फिर थोड़ा नमक डालकर इसे प्रेशर कुक किया था 3 से 4 विसल के लिए। ऐसे ही राजमा को भी किया था। इन्हें परफेक्ट कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना है। चलिए पहले वेजिटेबल्स काट लेते हैं। ये काफी बड़ा खीरा है तो मैं इसका आधा यूज करूंगी। इसको बिना छीले ही काटना है, क्योंकि खीरे के छिलके में बहुत से न्यूट्रिशंस होते हैं, फाइबर्स, विटामिन, सो हम इसे बिना छीले ही काटेंगे। और ये ध्यान रखना है कि हमारी जो वेजिटेबल्स है वो एक साइज की और थोड़ी छोटी कटे, जिससे सैलड खाने में आसानी रहे। फिर बेल पेपर काट लेते हैं। इसका अंदर का पोर्शन निकालकर अलग कर देते हैं। अब इसको ककुम्बर के ही साइज का काटना है, और ये इसका ये एरिया, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए मैंने इसे अलग कर दिया है और इन्हें एक साइज का काट लिया है। और एक टमाटर है वो भी कट गया है। ये हमारी सारी वेजिटेबल्स कट हो गए हैं। अभी धनिया बचा है, धनिया भी काट लेते हैं। धनिया भी हो गया है। आप चाहें तो आप मिंट भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, उसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। ये सारी वेजिटेबल्स कट गई हैं। एक बाउल में चिकपीज लेते हैं, उसमें बीन्स या राजमा वो डाल लेते हैं। ये दोनों ही बॉइल्ड है और इसमें ऑलरेडी थोड़ा नमक है, बॉइल करते समय डाला था। अब इसमें सारी सब्जियां डाल देते हैं जो भी हमने काटी थी, और सब्जियां यहाँ पे आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं। इसमें जो भी हो आपके पास आप वो सब यूज कर सकते हैं, जो नहीं है वो स्किप भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब इस सैलेड को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ड्रेसिंग बनाते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज किया है। इसका एक बड़ा चम्मच लेंगे। आप यहाँ पे फिगारो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या जो भी एडिबल ऑयल आप पसंद करते हो, या स्किप भी कर सकते हैं।
अब इसमें मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया है। आपके पास छोटा नींबू है तो आप एक पूरा डाल दीजिएगा। और इसके कुछ खट्टे मीठे फ्लेवर के लिए इसमें हनी डालते हैं। ये मैंने एक हनी ली है, इसका एक चम्मच यूज करेंगे। इसमें एक चम्मच हनी डाल दी। और अब शहद को तेल और नींबू में अच्छे से मिक्स करना है और इसे अच्छे से जलाना है, जिससे कि इसका जो ऑयल है वो नींबू में और शहद में अच्छे से मिल जाए। अब इसमें सॉल्ट डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे टेबल सॉल्ट यूज किया है, तो थोड़ा नमक और थोड़ा काली मिर्च ये डाल देते हैं। और ये ड्रेसिंग बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे किसी भी सैलड में यूज कर सकते हैं। बहुत टेस्टी होती है, खट्टी मीठी सॉल्टी, परफेक्ट परफेक्ट ड्रेसिंग है, किसी भी सैलड में जाएगा। सैलड ड्रेसिंग रेडी है, अब हम इसे अपने सैलड में डाल देते हैं। ये पूरी ड्रेसिंग मैंने अपने सैलड बाउल में डाल दी और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये सैलड बाउल फुल ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिशियस लोडेड है और इसमें बेसिक है चिकपीस, और इसमें आप अपनी वैरायटी की कोई भी वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद हो, अनियन भी डाल सकते हैं। मुझे कच्चा प्याज कम पसंद था तो मैंने नहीं डाला, लेकिन आप चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रीन चिलीज भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा तीखा खाते हैं तो। थोड़े क्रंची फ्लेवर के लिए इसमें सनफ्लावर सीड डाल देते हैं एक चम्मच। आप चाहें तो कोई और नट्स, पीनट्स, कैशियू, आलमंड्स, वॉलनट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये एक चम्मच पम्पकिन सीड्स डाल दिए। आप अपने फ्लेवर का नट्स सीड्स यूज कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। सैलेड रेडी है, बस थोड़ा धनिया डालने की देर है। अब फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं और आप यहाँ पे मिंट लीव्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद है तो। और थोड़ा चटपटे टेस्ट के लिए चाट मसाला। सैलड को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सारी चीजें इसमें मिक्स हो जाएं। ये हमारा चिकपी सैलड बाउल रेडी है, प्रोटीन्स और फाइबर से भरा हुआ, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको सैलड नहीं भी पसंद है तो भी आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और आपको सैलड अच्छा लगने लगेगा। ये बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी है, इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल द फ्राइंग पैन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी के साथ एवरी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।